तो यार आप सभी का एक और बार स्वागत है हमारे पोकेमोन जर्नीज के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस आज हम करने वाले हैं पोकेमोन जर्नीज के कुछ ऐसे एपिसोड के टाइटल्स रिवील करने वाले आप सभी के सामने, जिनको सुनकर आप सभी लोग शॉक हो जाओगे कि वाह यार अब आ गया आने वाले एपिसोड में तो यार बहुत मजा आने वाला है। और इन सभी एपिसोड में बहुत ही अच्छे अच्छे लीक्स हैं जो आप सभी को जाननी चाहिए। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले ये सभी जो मुझे लीक्स मिले हैं वो सभी लीक्स के क्रेडिट जाते हैं आदेश भाई को। तो गाइस आदेश भाई ने मुझे ये सभी लीक्स प्रोवाइड की है इंस्टाग्राम में, तो गाइस नीचे लिख देना कॉमेंट में कि थैंक यू आदेश भाई, ठीक है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात की गाइस, आईपीएल क्विज के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस मुझे बताओ कि कल हुई थी दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब की मैच, तो गाइस उन मैच में से कौन जीता था, कौन विनर हुआ था, तो गाइस कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। लकी पांच बंदे को मैं शॉर्ट आउट दूंगा। और हाँ ये देख लो कल के शॉर्ट आउट विनर। तो गाइस अब जल्दी से शुरू कर देते हैं वीडियो को, लेट्स बिगिन। तो गाइस आप बहुत ही शॉक हो जाओगे कि यार हमारा गो शायद जेप्टोस पकड़ने वाला है। हाँ बैड लक एश, क्योंकि गाइस गो यार बहुत ही जिद्दी है ना, उसके तो सभी पोकेमोन पकड़ने हैं, एश को कोई पकड़ना ही नहीं, उसे कुछ मतलब ही नहीं यार। अब उसे लगता है कि उसे अब रस नहीं रहा पोकेमोन मास्टर बनने में, अब उसे बस यूं ही घूमते फिरने रहता है, कुछ करता ही नहीं साला। तो गाइस एपिसोड नंबर 40 का नाम है रेड ऑफ जेप्टोस इन पावर प्लांट। यार इस एपिसोड के नाम से ही पता चल जाता है कि जेप्टोस आएगा लेजेंडरी पोकेमोन, और इसके बारे में हमें काफ़ी लीक्स भी मिली थी। और वो एक पावर प्लांट में आएगा, और यार उस पावर प्लांट में शायद हमारे एस और गो भी गए होंगे कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण, और उनका सामना हो जाएगा जेप्टोस के साथ। और अब ये कह नहीं सकते कि जेप्टोस को कौन पकड़ेगा, और ये भी हो सकता है कि जेप्टोस को कोई ना पकड़े और जेप्टोस ही इन दोनों को पीट कर चला जाए। यार ऐसा भी हो सकता है। यार आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपका ओपिनियन बहुत ही अच्छा हुआ तो हम आपको वीडियो में क्रेडिट देंगे और उसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे। तो गाइस अब एपिसोड नंबर 41 पे बढ़ते हैं। तो उसका नाम है एपिसोड गिव्स कोहारू। यार नाम तो बहुत अच्छा है। और इस एपिसोड में होने ये वाला है कि बेसिकली जो कोहारू है हमारी न्यू पोके गर्ल, जो गो की बेस्ट फ्रेंड यानी कि गर्लफ्रेंड है, जिसकी हमारी एस की सरीना है, वैसे ही यार हमारी कोहारू अभी तक एस की जर्नी में शामिल नहीं हुई है, हमारा गो और एस ही सफ़र करते रहे हैं। तो गाइस अब ये होगा कि कोहारू भी इनके टीम में ज्वाइन होगी और उनको एक नई पोके गर्ल मिलेगी। और ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि गाइस कोहारू तो ऐसे आने वाली नहीं है, कुछ तो कांड करेगा ना हमारे दोनों लौंडे, तभी तो ये कोहारू आएगी इनकी टीम में। तो अब देखते हैं कि क्या कांड करते हैं दोनों, और अब देखते हैं मजा आएगा यार पक्का। और गाइस अब नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड है एपिसोड नंबर 42 जिसका नाम है इंट्रोड्यूस ऑफ प्रोफेसर मैंगोलिया ग्रुकी टू गो। वाओ मस्त नाम है। और इस एपिसोड में बहुत ही मजा आएगा क्योंकि गाइस गाला रीजन की ऑफिशियल प्रोफेसर आने वाली है जिसका नाम है प्रोफेसर मैंगोलिया। इतना बड़ा नाम कौन रखता है यार, इससे अच्छा तो मैंगो रख रहे थे, प्रोफेसर मैंगो बहुत अच्छा होता, और ये पढ़ना भी नहीं आता यार, मैंगोलिया है नाम तो उसका ठीक ही है। और गाइस वो प्रोफेसर लेके आने वाले हैं ग्रुकी, जो गलर रीजन का स्टार्टर पोकेमोन है ग्रास टाइप। और गाइस यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी लीक्स निकल के आती है कि गाइस प्रोफेसर शायद एस को उसका स्टार्टर पोकेमोन देंगे गलर रीजन का जो है ग्रुकी, और ग्रुकी को एस पकड़ने वाला है। तो गाइस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड रहने वाला है हर एक पोकेमोन फैंस के लिए, क्योंकि गाइस इसके अंदर बहुत ही ऑसम लीक्स निकल के आएगी। और गाइस हमें देखने को भी मिलेगा कि ग्रुकी की क्या पावर रह चुकी है। वैसे तो गो के पास गाला रीजन के दो स्टार्टर पोकेमोन है, स्कोर बनी भी है और उसके पास सोबल भी है, मगर हमारे एस के पास कुछ भी नहीं है। तो गाइस ये तो पूरी चांसेस है कि ये पोकेमोन शायद एस के पास जाएगा। और अभी तक ये गाइस मैं बोल देता हूँ कि अभी तक हमारे एस ने गाला रीजन का एडवेंचर स्टार्ट ही नहीं किया है, वो अभी तक कांटो रीजन और अनदर रीजन में घूम रहा है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है प्रोफेसर की। और गाइस ये प्रोफेसर मैंगोलिया ऑफिशियल गाला रीजन की प्रोफेसर है जो लोगों को अपने स्टार्टर पोकेमोन देती है। और अब आप कहोगे कि यार प्रोफेसर कुकी कौन है, तो फिर
तो गाइस मैं बता देता हूँ कि प्रोफेसर कुकुई एक कांटो रीजन के प्रोफेसर है, हम उनको बोल सकते हैं मिनी प्रोफेसर, जो छोटे मोटे दिक्कतें आती है किसी भी रीजन में वो सॉल्व करते हैं, या फिर तो अपने रीजन में कुछ पोकेमोन यहाँ पर पागल हो जाते हैं उनको ठीक करते हैं। मगर यार कांटो के ऑफिशियल प्रोफेसर है प्रोफेसर ओक, और ये सभी लोग मिनी प्रोफेसर लोग हैं, तो गाइस कंफ्यूज मत होना। काफ़ी कॉमेडी छोड़ो यार, छोड़ो नहीं बोलना। तो गाइस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड के और, तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है एपिसोड नंबर 43 और उसका टाइटल है गो वर्सेस एश पार्ट 1। यस 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 यस, आखिरकार ये एपिसोड आ ही गया ना एक्शन वाला। यार मुझे यही सीन चाहिए था कि एश और गो के बीच में लड़ाई हो जाए और यार धूम धड़ाका यार मजा आ जाए यार। अब इस एपिसोड में मजा आएगा यार, क्योंकि इस एपिसोड में एश का और शायद गो का पोकेमोन इवोल्व होगा, एश का लुकारियो इवोल्व होगा और गो का सिंड्रेस इवोल्व होने वाला है। और यार ये बैटल कोई पिद्दी बैटल होने नहीं वाली, क्योंकि ये एपिसोड दो पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसके बाद का एपिसोड है एपिसोड नंबर 44 गो वर्सेस एश पार्ट 2। तो गाइस आप लोग समझ गए हो कि ये बैटल बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांच वाली होने वाली है और इसमें बहुत ही दमदार पोकेमोन पार्ट लेने वाले हैं, एश के 6 के 6 पोकेमोन और गो के 6 पोकेमोन। गाइस गो के पास भी एरोडैक्टाइल है, अभी अभी उसने न्यू पोकेमोन पकड़ा है। अगर आपने न्यू एपिसोड का प्रोमो देखा होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि गो ने नया पोकेमोन पकड़ लिया है जिसका नाम है एरोडैक्टाइल। अब एश की टीम में बस एक पोकेमोन की जगह बची है और वो शायद गुरु के ले सकता है या फिर तो अनदर कोई लेजेंडरी पोकेमोन। गाइस अब बहुत ही मजा आने वाला है और गाइस मैं बता देता हूँ कि इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ कल, और वो कल वाला वीडियो सरीना के ऊपर बेस होने वाला है कि सरीना किस तरह से गालर रीजन में वापस कर सकती है उसकी पूरी स्टोरी मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस सब्सक्राइब नहीं किया है ना अभी तक हमारे चैनल को तो यार सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक कर दीजिए पसंद आया हो तो वीडियो। और गाइस हम मिलते हैं कल सरीना भाभी के साथ गालर रीजन में, तो गाइस आना मत भूलना कल, ठीक है ना। सरीना भाभी आने वाले हैं गालर रीजन में, तो गाइस अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से टाटा एंड बाय बाय।